देख लीजिए सब लोग का रेडी है ना। सेकेंड लेसन है आपका और 20 इनर पर आपका एक लीटर स्पिरिट माइनस हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि गलती कम करने की कोशिश करना। चलिए स्टार्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है स्टार्ट। फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए, ऐसा कि मीडियम भी करना लेकिन कम से कम आवाज होते रहना चाहिए, हम आराम से नहीं टेस्ट में कोशिश करना है कि कम से कम आगे शब्दों को निकालने की कोशिश करना, पढ़ते हुए कोशिश करना है, एकर लेकर पढ़ते हुए। इतना जरूरी है ना। चल लाज में खट खट चलाइए फटाफट, अब समय कम गया सब लोग का। चलिए एंटर मारिए। कोई खराबी है। चलिए अविनाश सिन्हा वन। हाँ चलो स्टार्ट कर लिए, सबका वही है हिंदी में भी 20 पर ए जैसे आए जितना भी आए। Thank you.
फर्स्ट टाइम खाली नहीं लगता है, अपने आप स्पीड बढ़ाई, टाइपिंग स्पीड सब लोग रखिए, अच्छा रहेगा। चलिए इंग्लिश में सबसे फर्स्ट में मानसी कुमारी लेसन टू में 60 नंबर है ना, इसमें से 124 गलती होने के कारण इनका नेट स्पीड 53.75 रह गया है। चलिए फर्स्ट विजेता रहे, चलिए आज के विजेता सेकंड रहे। और हिंदी के लिए भी हम आपको सबसे पहले बतला दें, हिंदी में रवि रोशन 86 इनका नेट स्पीड रहा, 100 गलती होने के कारण फिर भी इनका नेट स्पीड 81 पे है। चले इनके लिए भी धन्यवाद। चले रवि रोशन जी आ जाइए। चले टारगेट हमेशा देने की कोशिश कीजिए, जो एक बार हो गए विजेता जरूर उनको टक्कर देने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई जो है आगे बढ़ते जाइए। बाकी अपना अपना रिजल्ट सुन लीजिए। दीक्षा कुमारी नेट स्पीड 45 आया था, लेकिन ऐसे आपका कटने के बाद आपका 34 आया, 217 गलती, तो गलती को तो बहुत सुधारना पड़ेगा। अंकिता प्रकाश इस पर बहुत कम, 42 नेट स्पीड इनका रहा 39.5। इसके बाद ज्योति इनका बहुत अच्छा रहा रिस्पॉन्स 47 और नेट स्पीड इनका रहा 45, एरर काट करके। इसके बाद जूही 42 नेट स्पीड इनका है 40। इसके बाद रजनी, रजनी का है आपका 46, इनका भी अच्छा है नेट स्पीड 42। नेहा, नेहा कुमारी का 50 बहुत बढ़िया है, लेकिन नेट स्पीड 45, 98 गलत होने के कारण। इसके बाद नाजिर इमाम 41 इनका रह गया बहुत कम, फिर भी ठीक है 39.5 नेट स्पीड। अविनाश कुमार 55 गलत होने की वजह से 46 पे आ गए, 178 गलत, ये भी सुधारना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। रवि रोशन 17 नेट स्पीड, 0 गलती, नेट स्पीड 17। हिंदी में तो हो गए, हिंदी में भी इनका एक है अविनाश कुमार 74 नेट स्पीड 69.75। अगला टेस्ट जो आपका होगा इस मंथ के लास्ट में,